गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे वर्क एनर्जी बेस्ड कम सम सॉल्व एग्जांपल्स। जो कार्य ऊर्जा है प्रमेय है उस पर आधारित कुछ सॉल्व एग्जांपल हैं, उनके ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, इसमें एक डायग्राम दिया गया। डायग्राम देखिए, ये एक ऐसा कोई एक डिज़ाइन है कि एक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट का बना हुआ एक कुछ ऐसा एक डिज़ाइन बना रखा है, जिसके ऊपर जैसे स्केटिंग बोर्ड के द्वारा स्केटिंग करते हैं ना, उस प्रकार का एक ऐसा कंक्रीट का बना हुआ डिज़ाइन है, जिसमें यह है एकदम समतल सतह है, जिसकी लंबाई है वो एल दी गई है, और ये एक कर्व्ड सरफेस है, वक्राकार सरफेस है, और इसकी ऊंचाई है वह है एच दी गई है। अब ये सवाल क्या है कि इसमें कोई भी एक एम द्रव्यमान का कोई भी एक ब्लॉक है, वह इस कर्व्ड जो सरफेस है यह वक्राकार सतह है, यहाँ से छोड़ा जाता है एच ऊंचाई से, और एम का जो मान है वह है 234 ग्राम। तो साथ में शर्त यह भी है कि जो कर्व्ड सरफेस है यह घर्षण रहित है, अर्थात चिकनी है, इस पर फ्रिक्शन नहीं होता है, और जो भी ब्लॉक है यह इस एल से गुजरता है, एल दूरी से, तब इसमें फ्रिक्शन होता है। अब एल की जो लंबाई है वो दी गई है 2.16 मीटर। अभी सवाल को यूँ समझिए, इस ब्लॉक को ए बिंदु से छोड़ा जाता है, तब यह घर्षण रहित गति करेगा और गति करेगा, लेकिन जैसे यहाँ पर आएगा इसमें घर्षण होना चालू हो जाएगा, तो इसमें एनर्जी नष्ट होगी, लेकिन इसके एनर्जी कुछ ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, तो गति के कारण से इसकी एनर्जी होगी और यह इस घर्षण रहित सतह को पार कर जाएगा, इधर की तरफ आएगा, लेकिन फिर इधर से गति करना चालू करेगा और ऐसे इधर गति करेगा इधर से, तो यह ऐसे गति करता रहेगा जब तक कि स्थिर अवस्था में नहीं आ जाता है। तो अपन को वही ज्ञात करना है कि वह जो ब्लॉक है, जो ए ब्लॉक है, वह जब स्थिर अवस्था में आएगा, रेस्ट की पोजीशन में आएगा, तो इस चित्र में कहां पर आके वह रुक जाएगा, यह बताना है। अब साथ में इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि जो कर्व्ड पार्ट है वो घर्षण रहित है, तो कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती है, लेकिन जो एल लंबाई वाला फ्लैट पार्ट है, जब इस पर से वह ब्लॉक गुजरता है तो वह ऊर्जा की हानि करता है, मैकेनिकल ऊर्जा है जो वह हानि करता है, और उसका मान है 688 मिली जूल ऊर्जा की हानि करता है। अब यहाँ जो एच ऊंचाई है वो दी गई है 1.05 मीटर, इतनी ऊंचाई से उसको छोड़ा जाता है इसको गति करने के लिए। तो पता करना है कि इस पर से यह जो इस ग्राउंड पर जो सतह है उसमें कहाँ पर वह स्थिर अवस्था में आके रुक जाएगा, ये पता करना है। तो सीधी सीधी एक बात देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वर्क एनर्जी प्रमेय की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो दो चीज़ें इसमें दी गई हैं कि एक तो दिया गया है कि अगर मैं यहाँ से इसकी ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई देने की वजह से मैं क्या ज्ञात कर सकता हूँ, स्थिति के कारण से इसकी स्थिति से ऊर्जा ज्ञात कर सकता हूँ। स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, एच ऊंचाई पर एम जी एच। जैसे ही ब्लॉक को ए पोजिशन से छोड़ा जाता है, तो ए पोजिशन जब छोड़ते हैं तो जो स्थिति ऊर्जा है वह गति ऊर्जा में बदलती है एनर्जी संरक्षण के कारण से, और गतिज ऊर्जा में बदलने के कारण से ब्लॉक है उसको गति मिलती है, उसमें वेग प्राप्त होता है, और उसके कारण से वह इस फ्लैट सरफेस पर गति करता है, लेकिन जैसे ही फ्लैट सरफेस से गुजरेगा तो घर्षण के कारण से वह 688 मिली जूल ऊर्जा को खो देगा। अब अपन को क्या करना है कि कोई भी जो ब्लॉक है वह एक चक्कर पूरा करने में या उसकी जो स्थिति ऊर्जा है उसके कारण से जो कुल ऊर्जा मिलेगी वह कितनी ऊर्जा है वह पता कर लें, और यह एक चक्कर में कितनी ऊर्जा खो देता है वो पता कर लें, जो कि दी गई 688 मिली जूल। अब उस कुल ऊर्जा में खोई हुई ऊर्जा का भाग दे दिया जाए कि कितनी ऊर्जा डिस्ट्रॉय हुई है मैकेनिक फ्रिक्शन के कारण से, तो अपन पता कर सकते हैं वह कितनी बार इस सतह के चक्कर लगाएगा, ए से लेके सपोज मैं इसको बोलूँ बी बिंदु तक चक्कर लगाएगा, और उसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि वह किस स्थान पर आके रुकेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, यहाँ से गति करेगा इधर की तरफ जाएगा, धीरे से गति करेगा ऐसे जाएगा, तो तब तक गति करता रहेगा जब तक कि इस सतह पर आके कहीं वह रुक न जाए, और इसी सतह पर क्यों, क्योंकि ये तो कर्व है, जब ये कर्व है और घर्षण रहित है इसलिए यहाँ पर वह रुकेगा नहीं, रुकेगा केवल वह समतल पर ही, और वह फ्रिक्शन वाली सतह होने की वजह से। तो ये डायग्राम मैंने वापस इसको बनाया है, जब इसको ऐसे छोड़ा जाता है तो छोड़ने से जस्ट पहले, जब वह गति करने से पहले वाले स्थिति में उसका द्रव्यमान mg है, ऊंचाई h है, तो उसके कारण से जो पोटेंशियल एनर्जी है
वह कितनी होगी? वह होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, जिसको मैंने यू माना है। तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, मान रख दीजिए एम का मान कितना है 234 ग्राम है, उसको किलोग्राम में मैंने कन्वर्ट किया तो गुणा 10 की घात -3 कर दिया। जी को मैंने यार 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं लिया है, ईजी टू कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और जो एच कितने कितनी ऊंचाई से छोड़ा गया है, वह 1.05 मीटर से। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यह अप्रोक्सीमेट आएगा 2.42 जूल। इतनी ऊर्जा वह प्राप्त कर लेगा, अर्थात तो उसे एच ऊंचाई से अगर छोड़ा जाता है गति करने के लिए ब्लॉक को, तो उसके द्वारा ग्रहण की गई या उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, जो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, वह ऊर्जा होगी 2.42 जूल। अब देखिए, वह हर चक्कर में कितनी ऊर्जा खो देता है, क्योंकि वह जैसे ही इस फ्लैट सरफेस पर गति करेगा, यह घर्षण रहित नहीं है, इस पर वह ऊर्जा हानि करेगा, और कितनी ऊर्जा हानि करेगा, 688 मिली जूल। अब उसकी कुल ऊर्जा तो है 2.42 जूल, और हर चक्कर में, हर राउंड में वह कितनी एनर्जी लॉस करेगा, 688 मिली जूल। तो कुल ऊर्जा में 688 मिली जूल का भाग दे दिया जाए, तो जब तक उसकी ऊर्जा हानि चलती रहेगी, वह चक्कर लगाता रहेगा। तो पता लगा सकते हैं अपन कि कितनी बार वह चक्कर लगाएगा। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है, मैंने इसको डायग्राम बनाया है, देखिए सबसे पहले वह चक्कर लगाएगा ऐसे, यहाँ से आया इस पोजीशन पर, फिर वापस, ये लाइन है केवल ऐसे बताने के लिए है, दूसरा चक्कर ऐसे लगाएगा, तीसरा चक्कर ऐसे लगा देगा, चौथा चक्कर ऐसे लगा देगा, पांचवा चक्कर, तो वो चक्कर लगाता रहेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ, सपोज करो वो एन चक्कर लगाएगा, इतनी ऊर्जा हानि करने के लिए हर चक्कर में 688 मिली जूल ऊर्जा लॉस्ट होती है, तो कुल ऊर्जा लॉस्ट होने तक वह एन चक्कर लगाता है, तो कितना एन का मान कितना हो जाएगा, कुल ऊर्जा बटे प्रत्येक चक्कर में नष्ट की गई ऊर्जा फ्रिक्शन के कारण से, तो एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा 2.42 जूल बटे 688 मिली जूल है, तो उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, 10 की घात -3 जूल कर देंगे, जूल से जूल कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 2.42 गुणा 1000 बटे 688, इसको कैलकुलेट करेंगे आप, देखेंगे अप्रोक्सीमेट वह 3.5 आता है, अर्थात वह 3.5 चक्कर लगाने के बाद में रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अभी ये वैसे तो बता दिए कि 3.5 चक्कर लगाने के बाद में रुक जाएगा, तो 3 चक्कर तो पूरे लगाएगा, पहला चक्कर किधर लगाएगा, ए से लेके बी की तरफ, पहला चक्कर लेफ्ट टू राइट, दूसरा चक्कर लगाएगा बी से लेके ए की तरफ, राइट टू लेफ्ट, तीसरा चक्कर वापस लगाएगा ए से बी की तरफ, लेफ्ट टू राइट, 3 चक्कर पूरे हो चुके हैं, चौथा चक्कर किधर लगाएगा, वह राइट टू लेफ्ट की तरफ जब आ रहा होता है, तब वह इस फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस के बीच में कहीं रुक जाएगा, तो चौथे चक्कर के राउंड में पार्टिकल जो ब्लॉक है वह सेंटर में आके रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, ये अपन पता लगा सकते हैं इजीली उसके लिए। ओके, अगर वो चक्कर इसके सपोज कि यहाँ पर कुछ अलग से चक्कर और होते, तो अपन जो सपोज को यहाँ पर होता 0.25, तो अपन बोल देते ये जो एल लंबाई है इसकी तरफ ये है, मतलब 25% इससे पर आके रुक जाएगा, लेकिन अभी ये इसके सेंटर में आके रुक जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, और इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आपको आए तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी अच्छा आपके लिए कॉम्पिटिशन और एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी इस पर अपन दूसरा एक एग्जाम्पल करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है यह एक स्प्रिंग है, देखिए एक स्प्रिंग है जो एक ट्यूब में रखी गई है। ओके, और इसके ऊपर मैंने एक सिंपल सा फ्लैट सरफेस लगा रखी है। स्प्रिंग का जो नियतांक है, जिसे अपन बल नियतांक बोलते हैं, वह दे रखा है 252 न्यूटन पर सेंटीमीटर, अर्थात इतना बल नियतांक है, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं उसको, स्प्रिंग का कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इस स्प्रिंग पर 263 ग्राम का एक ब्लॉक है वो छोड़ा जाता है। आप इस जो मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल आप बाइक के सॉकर के लिए ले सकते हैं। जब बाइक के सॉकर में स्प्रिंग लगी होती है ना, तो वह जो स्प्रिंग है किस प्रकार से डिज़ाइन की जाए, या फिर किस प्रकार का मटेरियल काम में लिया जाए, या कितने जो झटके हैं वो सस्पेंशन के द्वारा वो उसे सहन किया जा सकते हैं, सब चीज़ें इस पर प्रैक्टिकली अपन डिज़ाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसी पर
ये जो सारा प्रैक्टिकल है वो इसी न्यूमेरिकल पर बेस्ड, आप समझिए इसको। देखिए तो ये स्प्रिंग है, इसे लगा रखी है, इसके ऊपर फ्लैट सरफेस है। अब 263 ग्राम का कोई एक ब्लॉक है उसको ऊपर से छोड़ा जाता है तो क्या होगा किसी भी स्प्रिंग के ऊपर। अब ये इसलिए ये लगा रखा है इसको फ्लैट सरफेस, ताकि स्प्रिंग टेढ़ी ना हो, आराम से नीचे की तरफ यह कंप्रेस हो। जब यह ब्लॉक इसको टच करेगा तो टच करने के बाद में यह प्रेशर से आएगा ना इसके ऊपर बल, किसी एक अपना बल लगाएगा तो बल के कारण से स्प्रिंग है यह कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। लेकिन जब स्प्रिंग दब जाएगी तो वह कंप्रेस होने के बाद में स्प्रिंग भी वापस एक्सपेंड होगी तो वह बल लगाएगी इस ब्लॉक के ऊपर, तो जो वह स्प्रिंग का बल होगा तो वह वापस ऊपर की तरफ इसको लेके जाएगी। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलेगी। अब देखना यह है कि यह जो ब्लॉक है, शर्त यह है, ये जो ब्लॉक 263 ग्राम का है जब इसके ऊपर आके हिट करता है, टकराता है, तो इसके चिपक जाता है, और चिपकने के बाद में स्प्रिंग है वह कंप्रेस करती है, एक्सपेंड होती है और एक फाइनल पोजीशन में आके रुक जाती है। तो यही इसमें दिया गया है कि ब्लॉक स्ट्राइक ऑन द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कंप्रेस्ड ऑन 11.8 सेंटीमीटर। जैसे ही यह ब्लॉक है यह स्प्रिंग पर आके चिपकता है, स्प्रिंग है ना वो 11.8 सेंटीमीटर तक दब जाती है, इतनी गहराई तक या इतनी दूरी तक वह दब जाती है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। अब यह आपको डेटा दिया गया है, ब्लॉक का द्रव्यमान दिया गया है, स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया गया है, स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई है ये दिया गया है वर्क एनर्जी प्रमेय के द्वारा। तो आपको ज्ञात क्या क्या करना है, फाइंड वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, कि जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से कितना कार्य हुआ है वो ज्ञात करना है। वर्क डन बाई स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा कितना कार्य है वो ज्ञात करना है। स्पीड ऑफ ब्लॉक बिफोर हिट द स्प्रिंग, तो जो ब्लॉक है वह स्प्रिंग को हिट करता टकराता उससे पहले उसकी स्पीड कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। और इफ़ इनिशियल स्पीड इज़ डबल्ड हाउ मच इज कंप्रेशन, अगर जो स्प्रिंग है जो इसके कंप्रेशन की स्पीड है वह अगर डबल कर दी जाए, ब्लॉक की स्पीड डबल कर दी जाए, तो उसमें कितना ज़्यादा और कंप्रेशन हो जाएगा। ब्लॉक है वह जिस स्पीड से आ रहा है उसे डबल स्पीड से वह उस पर स्प्रिंग पर गिरे तो और ज़्यादा कितनी एनर्जी नष्ट होगी, उसके द्वारा अपन स्प्रिंग का कंप्रेशन भी ज्ञात कर सकते हैं, ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें पूछी गई सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से लगाया गया किया गया कार्य, और एक स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वाकर्षण कार्य कैसे करेगा, गुरुत्वाकर्षण तो जो ग्रेविटी है उसकी वजह से, अब देखिए ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है, लेकिन यहाँ पर जो डाउनवर्ड ग्रेविटी है उस ध्यान रखिए जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड है वह गति कर रहा है ग्रेविटी के कारण से। तो रेफरेंस पॉइंट जो अपन ने लिया है यहाँ पर, वह अपन ने रेफरेंस पॉइंट है वह लिया है सपोज स्प्रिंग जो नॉर्मल पोजीशन में है तो वह अपन जीरो पोजीशन में लेते हैं, तो उसी जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर अपन जो कंप्रेशन लेंगे वो नेगेटिव फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि जो रेफरेंस लिया है, निर्देश बिंदु लिया है वह अपन ने इस पोजीशन को लिया। देखिए इस पोजीशन, अब जब यहाँ से नीचे की तरफ स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो यह सपोज कीजिए यह जीरो है तो इसे नीचे की तरफ जाएगी, तो 11.8 सेंटीमीटर का मतलब है -11.8 सेंटीमीटर डाउनवर्ड हो गया। ओके तो सबसे पहले तो देखिए गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य, जो ब्लॉक है वह नीचे की तरफ गति कर रहा है ना स्प्रिंग पर टकराने के लिए, तो सपोज करो वह एच ऊंचाई से गति करता है, तो एच ऊंचाई से गति कर रहा है तो सॉरी स्प्रिंग पर टकराने के बाद में वह एच गहराई तक उस स्प्रिंग को दबा देता है, तो उस पर जो किया गया कार्य है वह हो जाएगा MgH पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब ध्यान रखिएगा हुक्स का नियम है, हुक्स लॉ है, तो ये होता है F=-kx, और उसके लिए ऊर्जा होती है वह U=1/2 kx2। किसी भी स्प्रिंग के लिए आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बता देता हूँ, जहाँ पर किसी भी स्प्रिंग का बल नियतांक k होता है और वह x दूरी तक कंप्रेस होती है तो हुक्स होता है उस पर लगने वाला बल का मान उसके समानुपाती होता है कंप्रेशन के, तो F=-kx। -k इसलिए बल आगे, बल लगाने पर जो अक्स है वह घटता है कंप्रेशन के दौरान, इसलिए माइनस साइन आया है। जितना ज़्यादा बल लगाओगे उतना ज़्यादा कंप्रेशन बढ़ेगा और स्प्रिंग की गहराई है वो लंबाई है वो कम होती जाएगी। ओके तो वर्क डन बाई फोर्स ऑफ स्प्रिंग वो जाएगा 1/2 kx2। अब जो ब्लॉक है वो ब्लॉक जब स्प्रिंग के साथ में टच होता है, अटैच हो जाता है, तो उसके जो गति वो भी गति करेगा ऊपर नीचे की तरफ, तो उसकी जो गति ऊर्जा है वो हो जाएगी 1/2 mv2। जब उसका वेग v है तो वेग v है
वी ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा टू ई अपॉन एम ई, यहाँ पर गतिज ऊर्जा है का अंडर रूट। तो ये तीन चीज़ें अपने को मिल गई हैं, गतिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के कारण से कार्य है, और स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य है, और ब्लॉक की वेलोसिटी मिल गई है। सो वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का एम जी एच, क्योंकि यहाँ पर जी है वो डाउनवर्ड होने की वजह से, ध्यान रखिएगा डाउनवर्ड है तो माइनस साइन है ना, वो जी डाउनवर्ड होने के कारण से जो कम स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है तो उसकी लंबाई को अपन ने माइनस साइन में लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो डब्ल्यू बराबर माइनस का एम जी एच, तो एक तो जी डाउनवर्ड है, कहने का मतलब यह है कि स्प्रिंग के निर्देश सिस्टम के विपरीत दिशा में, तो वैसे माइनस साइन, और ध्यान रखिए गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य है, न कि गुरुत्वाकर्षण पर कार्य, तो ध्यान रखिए बल द्वारा किया गया कार्य और बल पर किया गया कार्य, सिस्टम द्वारा किया गया कार्य और सिस्टम पर किया गया कार्य। सिस्टम पर किया गया कार्य होता है वह, और सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया गया है। अब देखिए डब्ल्यू बराबर माइनस का एम जी एच, एम दिया गया है, एम का मान कितना है तीन, एम का मान दिया गया है एम का मान दिया गया है 200 200, इसमें देखिए न्यूमेरिकल में 263, ये 263 है, 263 ग्राम था, ओके। और जी का मान 10 हो गया, और जो सेंटीमीटर है उसका मान हो गया है अपना माइनस का 11.8 गुणा 10 की घात माइनस का 2, यहाँ पर देखिए 263 तो गुणा करेंगे तो 10 की घात माइनस 3 भी तो आएगा, किलोग्राम में बदलेंगे तो कैलकुलेट कर लीजिए 304 जूल आ जाएगा, ओके। इसको अब स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग भी तो कार्य करेगी ना, अब स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है तो उसकी पोजीशन है वह है रेफरेंस के तुलना में माइनस डायरेक्शन में, तो माइनस के एक्स, यहाँ पर दोनों देखिए स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य और स्प्रिंग बल पर किया गया कार्य, बल तो बल पर किया गया कार्य पॉजिटिव है और बल द्वारा किया नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लिया है। जो कंप्रेशन है वो माइनस में है क्योंकि रेफरेंस की तुलना में माइनस लिया हुआ है, तो यहाँ देखिए माइनस का हाफ के माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा माइनस का हाफ 2.5, 2 गुणा 10 की घात माइनस 11.8। और ध्यान रखिए यहाँ पर देखिए ये 2.52 लिया है, इसीलिए यहाँ पर इसको अपने मीटर में बदला नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू एस बराबर माइनस का 1.75 जूल। अब देखिए अपने पास में जो वैल्यू है वो अलग अलग आ चुकी हैं, एक आ गया है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा और एक आ गया है अपने स्प्रिंग के द्वारा, ये दो चीज़ें आ चुकी है अपने पास में। एक सेकंड रुकिए आप, यहाँ पर ये जो है स्प्रिंग द्वारा किया जा रही है प्लस है, और ये वाला ये देखिए माइनस साइन होने की माइनस, ये देखिए ये माइनस साइन है, तो दो जब काइनेटिक एनर्जी है वह कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी जो टोटल कार्य है उसके बराबर होगी, तो टोटल कार्य को जोड़ दीजिए 1.75 प्लस इन ब्रैकेट में माइनस 0.304, तो इसका आंसर आता है 1.45 जूल, इतनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो वह हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी तो वी बराबर हो जाएगा 2e/m का अंडर रूट, इसमें मान रख दीजिए e का मान रख दीजिए m का मान रख दीजिए, उत्तर आएगा अपने पास 3.32 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात जो ब्लॉक है वह 3.32 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करेगा। अब ये कह रहा है कि अगर v का मान डबल कर दिया जाए, अर्थात वह जो ब्लॉक है वो दुगनी गति से गति करे, टकराए, तब कितनी जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वह होगी, तो वह हो जाएगी तब हाफ एम वी स्क्वायर, तो जो v है स्क्वायर है तो v डैश है, चूँकि यहाँ पर देखिए तो v डैश का मान हो जाएगा 2v, बिल रखेंगे तो जाएगा 5.78 जो जूल है उतनी इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो कंप्रेशन है वह उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। ओके, थैंक यू।